हेलो गाइस, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक्स यूट्यूब चैनल ऑन रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन। सो वेलकम यू ऑल टू द पीआईबी इनसाइट सीरीज। आई होप आप इसको कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हो, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग आरबी एग्ज़ाम और एनी अदर एग्ज़ाम जहाँ पर जनरल अवेयरनेस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर हम होलिस्टिक कवरेज लेके आते हैं। एंड इफ़ यू सी, अगर आप पीआईबी के डेली बेसिस पे आर्टिकल्स देखते हो, देर आर 20-25 आर्टिकल्स एवरेज इतना रहता है। अगर हाँ कोई सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट्री सेशन, लाइक लास्ट मंथ चला था विंटर सेशन, उसमें आर्टिकल बहुत ज़्यादा थे, बट ऑन एवरेज 20 के अराउंड रहते हैं। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो 5-6 ही आर्टिकल्स होते हैं। बाकी आर्टिकल्स ऐसे होते हैं विच आर रिपीटेटिव एंड सम इनोग्रेशन ऑफ सम प्लेस, जो आरबीआई के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। तो जो हम यहाँ पे कवरेज देते हैं ना, क्योंकि हम 5 क्वेश्चन लेके आते हैं प्लस एक लीड आर्टिकल पे टॉपिक ऑफ द डे करवाते हैं, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उसके न्यूआंसेस को एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको यहाँ पे कवरेज जो है काफ़ी हद तक पूरा हो जाता है। तो इसको अच्छे से फॉलो कीजिएगा, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है आपके लिए। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। सो आज का टॉपिक ऑफ द डे है बेसिकली ईयर एंड रिव्यू मिनिस्ट्री ऑफ पावर। सो क्या होता है कि हमने इससे पहले भी कराई है काफ़ी टॉपिक ऑफ द डे के अंदर, कि ईयर एंड के अंदर हर मिनिस्ट्री अपना रिव्यू देती है कि उन्होंने इस स्कीम के अंदर ये किया, इतना बेनिफिट पहुंचाया, इतने लोगों को रीच किया, इतना फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है, दीज ऑल थिंग्स, ठीक है? तो जब मिनिस्ट्री पावर अपने बारे में बता रही है, तो वो अपने बारे में हर स्कीम को बताएगी। समर्थ मिशन बताएगी, RDSS स्कीम जो होती है मिनिस्ट्री पावर की वो बताएगी, उजाला स्कीम के बारे में बताएंगी, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट जो एक्ट आया था उसके बारे में वो बताएगी। तो जो मिनिस्ट्री है, इट विल टेल अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ईयर एंड रिव्यू से हम क्या पिक कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट स्कीम्स ऑफ डैट मिनिस्ट्री। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई मिनिस्ट्री के वाइज स्कीम्स पढ़ रहे हो, तो आप क्या करो कि दिसंबर में ईयर एंड रिव्यू सर्च करो, ईयर एंड रिव्यू मिनिस्ट्री का नाम PIB लिख के, प्लस PIB लिख के, तो आप वहाँ पे लिंक खोलोगे ना, व्हेन यू ओपन द आर्टिकल, तो वहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स मेंशन होंगी जो वो मिनिस्ट्री कर रही है और जो इंपॉर्टेंट है, वही स्कीम्स करो ना। उसके अलावा उस मिनिस्ट्री को और स्कीम छूने की जरूरत नहीं है आई थिंक, क्योंकि वहीं से ही क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मिनिस्ट्री पावर की बात करेंगे, इसके अंदर मैं आपको खाली स्कीम्स नहीं बताऊंगा, ओवरऑल इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी को लेकर क्या क्या इशूज़ हैं और कैसे रिजॉल्व किया जा रहा है ना, उसकी बात भी मैं यहाँ पे करूँगा, ठीक है? उसके अलावा 5 क्वेश्चन हैं हमारे, न्यूज़ में थे, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन रख रहा हूँ, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। इनिशियली मैंने थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन रखे थे, बट नाउ आई एम कीपिंग इट मॉडरेट। तो ईजी क्वेश्चन है, इनको ट्राई करना, एंड दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट। CCI इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक का LPI इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ना हम बाद में मे बी इन नेक्स्ट अदर लेक्चर्स में एक टॉपिक ऑफ द डे के रूप में भी इसको कवर करेंगे, नेशनल सिकल सेल एनीमिया मिशन। आई थिंक इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन इधर NABARD या RBI के मेंस में आया, आई एम नॉट श्योर किस में आया, बट इट द क्वेश्चन हैज़ कम ऑन दिस मिशन एज वेल, ठीक है? देन वंस यू आर डन विद दिस क्वेश्चंस, सिंस इट्स योर वर्क टू फाइंड द आंसर्स ऑफ देम, यू कैन गो टू द PIB लिंक दैट आई मेंशन्ड इन द लास्ट पेज एंड ओपन दिस आर्टिकल्स एंड रीड अबाउट इट। आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, बट अपार्ट फ्रॉम दिस CCI, ये थोड़ा आपको खुद से रिसर्च करना पड़ेगा CCI के बारे में, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर के ईयर एंड रिव्यू से। तो पहले कुछ हाइलाइट्स हैं, उसकी बात कर लेते हैं कि इंडिया में आज की डेट में 426,132 मेगावाट का पावर जनरेशन है, इतना पावर इंडिया जनरेट कर रहा है, ठीक है? पावर जनरेशन कितना है, 426 गीगावाट। इसको गीगावाट में कन्वर्ट करें तो अराउंड 426 गीगावाट हो जाता है, दिस इज इन मेगावाट। तो अराउंड इतना इंडिया का पावर है। अब इसमें से कितना कोल का है, कितना गैस का है, कितना न्यूक्लियर का है, कितना रिन्यूएबल का है, इस पर देख लेते हैं एक बारी। अभी भी कोल हमारा अराउंड 51% तक है, 50% प्लस है। सो जितनी हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट, तो आज भी वो अराउंड हाफ, इवन मोर देन हाफ कोल से पूरी हो रही है, बाकी गैस से। गैस से कहते हैं लाइक CNG हो गए, LPG सिलेंडर्स हो गए, ठीक है? देन न्यूक्लियर से कितनी हो रही है, 1.7%, ये बहुत कम नंबर है, ठीक है? देन रिन्यूएबल से 41% हो रही है। वन थिंग इज हेयर कि यहाँ जो रिन्यूएबल है, इट इज़ नॉट ओनली सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इट इंक्लूड्स योर हाइड्रो पावर प्लांट्स एज वेल। जो एनर्जी आपके हाइड्रो पावर प्लांट्स यानी डैम्स में से आ रही है,
वो भी इसका पार्ट है रिन्यूएबल का, ठीक है, इट इज़ नॉट ओनली योर सोलर एट्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट्स भी हैं, तो एक ये फैक्ट हो गया हमारा। उसके अलावा दूसरा हाईलाइट है, एवरी विलेज एंड हाउस होल्ड हैज़ बीन इलेक्ट्रीफाइड, हर विलेज का हर एक हाउस होल्ड इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, ऐसा कहना है गवर्नमेंट का, ठीक है। द अवेलेबिलिटी ऑफ पावर इन रूरल एरियाज हैज इंक्रीज फ्रॉम 12 आवर्स इन 2015 टू 20.6 आवर्स, ठीक है, एंड इन द अर्बन एरिया इट हैज इंक्रीज टू अराउंड 23.8 आवर्स, ठीक है। मतलब दिन के अंदर पहले रूरल एरिया में 2015 के अराउंड सिर्फ 12 घंटे बिजली आती थी, बट अब वो जाके 20.6 हो चुकी है, ठीक है। सो ये एक ओवरऑल सिनेरियो है। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस थिंग, दिस क्लासिफिकेशन, कि आज हमारे पास स्टिल कोल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। हम सोचते हैं कि डैम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, दे आर जनरेटिंग, बट आज भी जो कोल में थर्मल पावर प्लांट्स है, कोल से कैसे एनर्जी जनरेट होती है, कोल को बर्न किया जाता है, बर्न करने के बाद वहाँ से वाटर को हीट करके स्टीम बनाई जाती है, स्टीम क्या करती है, स्टीम टर्बाइन के प्रोपेलर्स को रोटेट करवाती है बाय गिविंग द प्रेशर और थ्रस्ट, व्हेन दे रोटेट दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। डैम्स में भी यही होता है, व्हेन वाटर फॉल्स डाउन व्हाट हैपेंस, टर्बाइन रोटेट्स एंड इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, एज सिंपल एज दैट। हाउ डैम इज प्रिपेयर्ड, यू फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप द वाटर, है ना, देन यू क्रिएट स्मॉल आउटलेट्स हेयर, यू क्लोज दैम, बट वेन यू वॉन्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यू ओपन द आउटलेट, सो द वॉटर कमिंग फ्रॉम दिस आउटलेट्स गिव सम एक्स्ट्रा प्रेशर, ठीक है। सो आपने सुना होगा प्रेशर वॉल्यूम क्या होता है, कि अगर वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, सो वो भी हमारा हेल्प करता है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाने में। सो ये डैम भी ऐसे ही वर्क करता है कि रोटेशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सो दिस इज अबाउट इट, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। द पॉइंट हियर इज, देखो गाइस, दिस डेटा अगले आरबीआई के एग्जाम के लिए उतना रेलेवेंट आई डोंट थिंक रहेगा, क्योंकि अभी है ईयर एंड रिव्यू है, तो दिसंबर तक का ये है डेटा, आगे चेंज हो जाएगा एंड एग्जाम में टाइम है, तो आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू लर्न एनी ऑफ दिस डेटा, बट व्हाट यू कैन सी, आप बस यहाँ पे इस चीज़ को एक बार दिमाग में बिठा लो कि कोल का आज भी 50% के ऊपर शेयर है, ये रफ फिगर आप दिमाग में बिठा लो, और गैस और न्यूक्लियर का तो लेस देन 10% है कंबाइंड भी, ठीक है, रिन्यूएबल का 41% है, ठीक है। अब इस पर बात करते हैं मिनिस्ट्री के सामर्थ्य मिशन। अब सामर्थ्य मिशन बात करते हैं कि जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं हमारे, इसके अंदर कोल को बर्न किया जा रहा है, अब कोल के साथ इसमें बायोमास को भी बर्न करो। बायोमास अब कहाँ से लेके आओगे, एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज से एक्सेट्रा से, यहाँ से बायोमास लेके आओगे, इसको आप ब्रिकेट्स बनाओगे, छोटी पैलेट्स बनाओगे, वो ये कोल पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स खरीदेंगे अपनी कोल के साथ, उनको को फायरिंग करेंगे, इससे क्या हो रहा है आपका कोल का उपयोग कम हो रहा है, प्लस कोल से जो हार्मफुल गैसेज जनरेट हो रही हैं वो भी कम हो रही हैं। सो डबल फायदे हैं इसके अंदर, एक तो कोल का खर्चा कम हो रहा है, जो क्योंकि हमें जो थर्मल प्लांट्स को करना पड़ता है कोल लेने के लिए, प्लस जो कोल से ग्रीन हाउस गैसेज जनरेट हो रही हैं वो भी कम हो रही हैं, तो दो फायदे होते हैं, ठीक है। सो ये न्यूज़ में यहाँ इन्होंने क्या बताया इसके मिनिस्ट्री के अंदर रिव्यू के अंदर, इन्होंने समर्थ मिशन में ये बताया कि देखो कि जो ये पैलेट्स हैं, जो ब्रिकेट्स हैं बायोमास की जो बनी हुई हैं, ये थर्मल पावर प्लांट्स को प्रोक्योर करनी है, तो कितने में पेमेंट होगी वो सब क्या है, पॉलिसी गाइडलाइंस गिवन है। तो उससे क्या हुआ है कि अब ज़्यादा प्राइस सोचो, अगर कोल से ज़्यादा प्राइस हमारा बायोमास के पैलेट्स का होगा तो वाई वुड अ थर्मल प्लांट वुड बाय, सो जस्टिफाइड प्राइसिंग पॉलिसी होनी चाहिए, जिससे क्या हो, डिमांड सप्लाई मीट हो एंड थर्मल पावर प्लांट्स वुड लाइक टू बाय द बायोमास पैलेट्स, ठीक है। सो ये समर्थ मिशन के बारे में। अब देखो इसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे, कि जो को फायरिंग है, अगर 100 टन का कोल बर्न कर रहा है तो कितने टन का एटलीस्ट उसके अंदर बायोमास बर्न होना चाहिए, को फायरिंग कहते हैं इसको, अभी अराउंड 5 टन का एवरेज होता है, इसको बढ़ाना है। तो जब हम समर्थ मिशन खुद में डिटेल में पढ़ेंगे तो जो नुआंसे छोटे छोटे इसकी बात करेंगे, कितनी इसकी स्कीम की डेडलाइन कितनी है, को फायरिंग का टारगेट कितना है, कौन कौन थर्मल पावर प्लांट्स एलिजिबल हैं एंड ऑल, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट द रिवैम डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। ये बताने से पहले आपको मैं एक सिनेरियो बताने वाला हूँ जो इंडिया में हो रहा है। देखो इंडिया में ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की ज़्यादा कमी नहीं है, बिकॉज हमारे पास न्यूमरस रिसोर्सेज हैं। कैसे, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में भी जाओ, अरुणाचल प्रदेश जाओ, यहाँ पे क्या है, लाइक ब्रह्मपुत्र आ रहा है, बहुत हाई वेलोसिटी पे आते हैं, ठीक है,
हम चाहें तो यहाँ पे पावर जनरेट कर सकते हैं, डैम्स बना सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे लैंड भी है, लैंड की एक्वायरिंग कॉस्ट भी इतनी नहीं है डैम बनाने के लिए, बट द इशू इज़ आप वहाँ बना लोगे उसको डिस्ट्रीब्यूट तो आपको वहाँ करना पड़ेगा जहाँ डिमांड है। सो क्या होता है कि इंडिया में जो ये क्या कहते हैं, आई वुड से कि जो जनरेशन है, पावर जनरेशन है ये है, बट जो पावर डिमांड कर रहा है, जो जिनको चाहिए पावर, वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पहुँच पाते हैं उसके मैं रीजंस बताता हूँ आपको। क्या होता है कि एक तो ट्रांसमिशन के दौरान बहुत सारे लॉसेस होते हैं, जिनको कहते हैं हम ट्रांसमिशन एंड कमर्शियल लॉसेस, एग्रीगेट ट्रांसमिशन एंड कमर्शियल लॉसेस। ट्रांसमिशन लॉसेस किस वे में हो सकते हैं, आप खुद सोचो कि अगर कहीं वायरिंग सही नहीं है, कहीं रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है वायर के अंदर, तो पावर ज़्यादा वो डिसिपेट होगी थ्रू हीट। कहीं पे अगर अगर लेट्स से कि दिल्ली से गुजरात से दिल्ली तक एक ही पावर लाइन है, एंड एक ही पावर लाइन में बहुत सारे कंज्यूमर चाहते हैं पावर इलेक्ट्रिसिटी लेना, अब वो मिनिमम में सब कुछ तो नहीं दे सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करता होता है कि कॉस्ट बढ़ जाती है। सो व्हाट हैपेंस इज यू हैव अ पावर जनरेशन, देन यू हैव डिमांड जहाँ पे पावर चाहिए, ये दोनों में कनेक्शन नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है, बिकॉज इनके ट्रांसमिशन लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, कमर्शियल लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और एक सबसे बड़ा इशू डिस्कॉम्स का इशू होता है। व्हाट हैपेंस इज एक पावर जनरेशन कंपनी होती है, एक होती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो मोस्टली स्टेट रन होती हैं। अब ये क्या होता है, ये ऑलरेडी लॉसेस में होती हैं, इन पे फाइनेंसिस कम होते हैं क्योंकि ये सब्सिडी बहुत ज़्यादा देती हैं, ठीक है, एंड इन पर जब फाइनेंसिस कम होते हैं तो टेक्निकल इनोवेशन भी नहीं कर पाते ताकि वो लॉसेस कम करें। सो डिस्कॉम्स ऑलरेडी क्या कहते हैं, अब उससे कि एक दलदल में फंसे हुए हैं जहाँ पे उनके पास पैसा नहीं है, ठीक है, जब पैसा नहीं है तो वो इनोवेशन भी नहीं कर सकते, हमें लॉसेस भी कम नहीं कर सकते हैं। तो ये सब करवाने के लिए ही रिवैम डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम लेके आए हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है ये इम्प्रूव हो जाए, ठीक है, ताकि ये इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द RDSS स्कीम टू हेल्प डिस्कॉम्स इम्प्रूव देयर ऑपरेशनल एफिशिएंसीज एंड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग रिजल्ट लिंक्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डिस्कॉम्स टू स्ट्रेंथन सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड ऑन मीटिंग प्री क्वालिफाइंग क्राइटेरिया अचीविंग बेसिक मिनिमम बेंचमार्क्स। आउटले कितना है इसका, अराउंड 3.05 लाख करोड़ है, 5 साल का, फ्रॉम 21-22 to 25-26। द आउटले इंक्लूड्स एस्टिमेटेड गवर्नमेंट बजटरी सपोर्ट ऑफ 0.98 लाख करोड़, ठीक है, ये फैक्ट्स हमको ध्यान रखने हैं कि कितना आउटले है, क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पे। जो हमारी डिस्कॉम्स हैं जो क्या करती हैं, पावर पर खरीद के कहीं पे स्टेट में कंज्यूमर्स पे पहुँचाती है, कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, रेजिडेंशियल हाउस होल्ड भी हो सकता है, कमर्शियल भी हो सकता है, एग्रीकल्चर भी हो सकता है, इनको इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाती है, ठीक है, ये का, और अगर ये अगर ये एफिशिएंसी नहीं होगी, सस्ते में प्रोक्योर तो कर रहे हैं बट जब तक वो उसके कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे उसका रेट बढ़ जाएगा क्योंकि वो एफिशिएंसी नहीं है। तो ये एफिशिएंसी लाने के लिए जो चेंजेस लेके आए हैं उसके रिगार्डिंग स्कीम है, कितना आउटले है, कितना उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का, यू कैन सी फ्रॉम हेयर। टारगेट क्या है, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेज, बहुत टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेज आपको कम करने हैं पैन इंडिया लेवल पे 12-15% बाय 24-25, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये फिगर 12-15%। रिडक्शन इन ACS ARR गैप टू जीरो बाय 24-25। व्हाट इज ACS ARR गैप, बेसिकली क्या है कि ACS स्टैंड फॉर एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई, ARR इज एवरेज रियलाइज रेवेन्यू, कितना आ रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है, जितना ये गैप होगा कम होगा पर यूनिट के हिसाब से उतना ही बेटर है, ठीक है ना। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो कॉस्ट है ये कम हो, रेवेन्यू बढ़े, जितनी कम होगी उतना अच्छा है, ठीक है, इसको जीरो लेके जाना है बट 24-25, ठीक है। इसके बाद इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी रिलायबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई टू कंज्यूमर थ्रू अ फाइनेंशियली सस्टेनेबल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। तो दिस इज दी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम RDSS, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज होती है कि नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन, ये क्या है, पहले स्मार्ट ग्रिड क्या होता है। स्मार्ट ग्रिड वो होता है जो डिजिटली ऑटोमेशन के थ्रू डिमांड सप्लाई को मैच करवाती है। कुछ एक मैं एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से
देर आर टू विलेजेस, ठीक है, एंड देर आर टू डिस्कॉम्स, ठीक है। एक विलेज में बहुत ज़्यादा डिमांड है ना, उसको एक डिस्कॉम पावर दे रहा है। उस विलेज में बहुत डिमांड है, बहुत इंडस्ट्री है, बहुत एग्रीकल्चर का बहुत है, पावर की बहुत डिमांड है। दूसरे विलेज में इतनी डिमांड ही नहीं है पावर की, ठीक है, उसको दूसरा डिस्कॉम इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। जिस जिस डिस्कॉम में पावर की डिमांड ही नहीं, जिस विलेज में पावर की डिमांड ही नहीं है, उसको जो डिस्कॉम पावर दे रहा है, वो डिस्कॉम पे खुद बहुत ज़्यादा जनरेशनल कैपेसिटी है। जो डिस्कॉम उनको पैसा दे पावर दे रहा है, जहाँ जिस विलेज में डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसकी खुद की जनरेशनल कैपेसिटी इतनी नहीं है। तो खुद सोचो, और दो चारों आपस में लिंक्ड नहीं है, मतलब कि एक डिस्कॉम दूसरे को नहीं इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है, एक डिस्कॉम एक को ही दे पा रहा है। इससे क्या हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है। अब चलो मान लो कि सब कनेक्टेड भी हैं, बट हाउ वुड वन नो कि इसकी इस विलेज की डिमांड इतनी है, इस पावर डिस्कॉम की कैपेसिटी ज़्यादा है, बट इसकी जो इसको सप्लाई कर रहा है उस लोगों की डिमांड नहीं है। ये कनेक्शन कैसे बिल्ड होगा, व्हेन देयर विल स्मार्ट ग्रिड। जब एक डिस्कॉम जिसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है देने की, उस लगेगा मैं तो भी अंडर यूटिलाइजेशन काम कर रहा हूँ, उस विलेज के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है, मैं उसको सस्ते में बेच सकता हूँ कि मैं ऑलरेडी अंडर यूटिलाइज हूँ। वो विलेजेस भी चाहेंगे कि हमें सस्ते में इलेक्ट्रिसिटी मिले। ये कैसे हो पाएगा, व्हेन यू हैव अ स्मार्ट ग्रिड, जब सॉल्यूशंस डिजिटलाइज्ड एंड ऑटोमेटेड होंगे, ठीक है। इसी को ही करने के लिए देयर इज अ नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन। ये एक क्या है, इट इज़ एन मिशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर विथ दस द असेसमेंट्स ऑफ फॉर स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिटीज विद द टेक्निकल असिस्टेंस ऑफ USAID साउथ एशिया रीजनल एनर्जी पार्टनरशिप प्रोग्राम। इस साथ मिलकर ये स्मार्ट ग्रिड मिशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। देन उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs। तो ये उजाला स्कीम आई थिंक 2015 में आई थी, इट जस्ट सेज कि जिनके घर में स्मार्ट मीटर लग चुका है, इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लग चुका है, व्हाट दे कैन डू, अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल लेके वो किसी दुकान पे जो गवर्नमेंटली ऑथराइज है वहाँ जाके सस्ते में LEDs खरीद सकते हैं। LEDs बल्ब भी हो सकता है, LED फैन भी हो सकते हैं, है ना, LED ट्यूबलाइट भी हो सकते हैं, एट अ अफोर्डेबल रेट, ठीक है ना, अफोर्डेबल। सो दिस इज़ दी उजाला स्कीम। थोड़ी पुरानी है, कोई ज़्यादा अपडेट भी नहीं है इस पर, तो इस क्वेश्चन आने के चांस इतने नहीं है यहाँ से, बट पता होना चाहिए क्या है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद क्या है, राइट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर। सो देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं, एक चीज़ होती है ओपन एक्सेस। इंडिया में आज भी जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आपको पता है कि यार आपको कोई जो अगर किसी जैसे कि दिल्ली के अंदर टाटा के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आप सिर्फ टाटा से ही ले पा रहे हो। अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि आप उस कंपनी से भी इलेक्ट्रिसिटी ले लो जो सस्ते रेट पर दे रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है ना, क्योंकि इंडिया में आज भी ओपन एक्सेस इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है एट अ लार्जर स्केल। हाँ, जो लार्ज कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे अब से इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं, दे स्टिल टेक पार्ट इन ओपन एक्सेस, बट जो रिटेल कंज्यूमर्स हैं लाइक अस, दे वी डू नॉट जनरली टेक पार्ट। बट फॉर एग्जांपल चलो एक ये चीज़ होगी कि आप दूसरी जगह से भी इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हो, यू हैव द ऑप्शन। ये कब हो पाएगा, जब शेयरिंग होगी, जिस इलेक्ट्रिसिटी लाइन से टाटा आपको बिजली दे रहा है, उसी लाइन से आपको कोई और कंपनी भी इलेक्ट्रिसिटी दे, उसके जिसकी वो लाइन है उसको परमिशन देनी पड़ेगी। तो इट रिक्वायर्स अ रेगुलेटरी चेंज एट अ ह्यूज लेवल, ठीक है। इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बट नॉट फॉर रिटेल कंज्यूमर्स एज सच। हाँ, जो इंडस्ट्रियल यूजर्स हैं उनके लिए वो है। उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि दिन के टाइम में जैसे कि, तो अभी विंटर्स में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड सबसे ज़्यादा कब है, मॉर्निंग में जब सबको गीज़र चलाने हैं, नहाना है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड चाहिए, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी का रेट बढ़ जाएगा। कोई आपको बोले कि यार मॉर्निंग में इतना महंगा रेट है, टाइम ऑफ द टाइम के अकॉर्डिंगली टैरिफ डिसाइड हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप क्या करोगे मॉर्निंग में, अगर आप एक समझदार कंज्यूमर हो, आपको यार मैं मॉर्निंग में कम यूज़ करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी, जब पीक कम है मैं तब यूज़ करता हूँ। अब इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, एक तो जो हमारा सिस्टम है उस पर लोड कम आ रहा है, क्योंकि अगर लोगों को पता लगेगा कि जिस टाइम पे डिमांड बहुत ज़्यादा है उस टाइम पे उनका टैरिफ भी बहुत ज़्यादा है, उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए जो सिस्टम्स को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा के भेजनी पड़ेगी, लोड आएगा।
अगर हम बोल दें कि इस टाइम पर टैरिफ ज़्यादा है तो कंज्यूमर्स क्या करेंगे, कुछ समझदार कंज्यूमर होंगे वो क्या कहेंगे, यार मैं सुबह गीज़र नहीं चलाता हूँ, मैं इससे अच्छा रात को नहा लिया करूँगा जब टैरिफ कम है, तो मेरी इलेक्ट्रिसिटी भी कम रहेगा और सिस्टम का भी फ़ायदा है कि उसमें लोड भी कम पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एक ही टाइम पे ज़्यादा डिमांड होने से अच्छा है कि डिमांड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ताकि लोड कम आए, लॉसेस कम आए, ठीक है। ये है दिस थिंग, ठीक है, राइट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स कि आपको टाइम ऑफ द डे टैरिफ मिलना चाहिए। इसके अलावा पहली स्टेटमेंट ये कह रही है कि अगर कोई आपको कंपनी टाइम के अंदर जो एक स्टैंडर्डाइज सर्विसेज नहीं दे पाएगी उन्हें पेनल्टी भी लगनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कंज्यूमर्स की हैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए, इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स है उनके राइट्स को बढ़ाया जाए, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ हुई है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोक्योरमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स, ये समझाने से पहले आपको मैं समझाता हूँ REC's ये क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स। तो देखो REC's क्या होता है, ये बताने से पहले आपको ये समझाता हूँ REC's में क्या होता है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी किसी ग्रीन सोर्स से जनरेट करते हो, सोलर पावर से जनरेट करते हो, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, आपने वो पावर सिस्टम में भेज दी, वो इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं कंज्यूम भी हो गई, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको पैसे नहीं मिले उसको देने के, आपको सर्टिफिकेट मिल गया है। अब आप ये सर्टिफिकेट मार्केट में बेच सकते हो, कौन सा मार्केट, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट इन इंडिया लाइक एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, IEX भी कहा जाता है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, ठीक है, या नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर्स में भी जाके बेच सकते हो। किनको बेच सकते हो, उन इंडस्ट्रीज को जहाँ पे रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशंस हैं। कोई अगर कंपनी अपनी RPOs ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पा रही है तो वो क्या करती है, ऐसे इनडायरेक्टली रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स खरीद लेती है, ठीक है। तो इसमें फ़ायदा किसका है, फ़ायदा लेट्स से कि आपने ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी, आपने सिस्टम में उतार दी, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, आपने उसी को ही आगे मार्केट में बेच दिया, किसको, किसी इंडस्ट्री को, उसने आपको अच्छे रेट पे बेच दिया, तो आपको फ़ायदा मिला इसके अंदर, ठीक है। तो कौन सा लोग हु कैन टेक पार्ट इन दिस REC इज रिड्यूस्ड, द रूल्स रिड्यूस द ओपन एक्सेस लिमिट फ्रॉम 1 MW टू 100 KW विच पेव द वे फॉर स्मॉल कंज्यूमर ऑल्सो टू परचेज RE एंड देर इज नो लिमिट फॉर कैप्टिव कंज्यूमर्स, ठीक है। मतलब कि अगर आप, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप 1 MW तक ही RE जनरेट करो, अगर आप 100 KW तक भी करवा रहे हो देन ऑल्सो यू कैन टेक पार्ट इन दिस ओपन एक्सेस, ठीक है। अब इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2022 आया था, इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस थे। सो पहला प्रोविजन ये था, डीलाइसेंस द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर एंड अलाउ प्राइवेट डिस्कॉम्स, ठीक है। सो सी इट इज़ नॉट कि एग्जैक्टली ऐसा हुआ है, व्हाट आई एम सेइंग इसका पर्पस क्या था, व्हाट इट शुड बी लुकिंग एट, कि जो डिस्कॉम्स के अंदर लाइसेंसिंग चल रही है, लाइसेंस राज चल रहा है कि किसी कंपनीज को ही हम लाइसेंस देंगे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बनाने का, बाकी को नहीं देंगे, इसको कम करो, लाइसेंसिंग दो प्राइवेट कंपनीज को भी जो हु आर एफिशिएंट इनफ, ठीक है। देन सेंडिंग ऑफ एपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू फाइंड द रेजोल्यूशन ऑफ लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट्स, DBT ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज टारगेटिंग द पुअर, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन फंड टू मीट एनी डेफिसिट इन क्रॉस सब्सिडी, व्हाट इज क्रॉस सब्सिडी, कुछ टर्म्स मैं समझाता हूँ आपको, क्रॉस सब्सिडी क्या होता है बेसिकली। देखो जो डिस्कॉम्स होते हैं, मैंने बात की स्टेट रन डिस्कॉम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, लेट्स से एग्रीकल्चरल कंज्यूमर है उसको सस्ते में इलेक्ट्रिसिटी देंगे, उनको सस्ते में दे दी, अब फिर क्या करते हैं, वो जो उनको नुकसान हुआ सस्ते में देने पे, इसको भरपाई करने के लिए, इसकी रिकवरी करने के लिए वो फिर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर पे जाएंगे, फिर वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को कहेंगे कि यार हम तेरे को महंगे में देंगे। बेसिकली क्या हो रहा है, आप इंडस्ट्रियल से कंज्यूमर से पैसा लेके एग्रीकल्चर कंज्यूमर को दे रहे हो एक तरीके से, यूज क्रॉस सब्सिडी, ठीक है। सो बेसिकली क्या है,
तो जब ऐसे होता है तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग एक्चुअली, ठीक है। आप सब्सिडी दे रहे हो बट आप एक जगह से लेके दूसरी जगह से ले रहे हो, ठीक है, इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। बट डिस्कॉम्स को ये करना पड़ता है, उनकी भी मजबूरी है बिकॉज उनको अपने फाइनेंसिस मीट करने हैं। तो वो ऐसा ना करें तो गवर्नमेंट ने क्या है कि हम फंड बनाएंगे जो उनको क्रॉस सब्सिडी देगा, ठीक है, ताकि वो ऐसे चार्ज ना ले पाए इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को। अगर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर की इलेक्ट्रिसिटी महंगा कर देंगे तो प्रोडक्ट्स जो इंडस्ट्रीज बनाएंगे महंगे हो जाएंगे, अल्टीमेटली इन्फ्लेशन होगी, ठीक है ना। चीज थिंग्स आर रिलेटेड इन दिस वे। इंक्रीज दी पेनल्टी फॉर डिस्कॉम दैट फेल टू मीट आरपीओस। जो मैंने कहा अगर डिस्कॉम्स कोई आरपीओ मीट नहीं कर पा रहा है उन पर पेनल्टी हो, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट दी पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का ईयर एंड रिव्यू, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली जो हमारा पावर स्ट्रक्चर इंडिया का उसकी काफ़ी बात करी है, तो इसको ध्यान से सुनना। सारी स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, समर्थ मिशन भी इंपॉर्टेंट है, RDSS भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ओपन एक्सेस, ठीक है। और हियर आर द क्वेश्चंस। पहले सिंप्लीफाइड सर्टिफिकेशन स्कीम, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको इंप्लीमेंट कर रही है, ठीक है, इसको बताना है आपको। तो ये काफ़ी ऐसे क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं अगर आपने एनएसएलटी लिए पढ़ी ना हो, ठीक है, बिकॉज आपको लगेगा सिंप्लीफाइड सर्टिफिकेशन है, क्या पता MSME हो, क्या पता कॉमर्स हो, क्या पता IT की हो, क्या पता कम्युनिकेशन की हो, ठीक है। सो सारे आंसर हो सकते हैं यहाँ पे अगर आपने पढ़ी नहीं है तो। गैस वर्क करना बहुत डिफिकल्ट है इन क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसको पढ़ लेना, इसकी लिंक दिया मैंने। इसके अलावा नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन पे दिया मैंने, इस पे 3 स्टेटमेंट है, ठीक है। सो इस पे बताना आपको, ये केवल न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि इस पे गवर्नमेंट का टारगेट था जो स्क्रीनिंग का 1 करोड़ ऑलरेडी हो चुका है, 2023 में ही लॉन्च की, तो लगा लो कि 1 साल के अंदर अंदर ही 1 करोड़ लोगों को स्क्रीन कर चुके हैं फॉर द सिकल सेल एनीमिया मिशन, ठीक है। इसके बाद हमारा 2024 को ही ईयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड डिसिप्लिन बताया गया है। क्यों बताया गया आपको ये बताना है, क्या है NSDC का इनिशिएटिव है, क्या डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का, या IREDA का, या नीति आयोग का है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये डायरेक्टली आपको PIB के लिंक से मिल जाएगा। अगला हमारा CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। CCI क्या होता है, बेसिकली इट इज़ अ कमीशन जो इंश्योर करती है कि मार्केट में कॉम्पिटिशन बना रहे कि कहीं पर मोनोपोली ना आ जाए। मोनोपोली आ गई तो कंज्यूमर्स के राइट को नुकसान हो सकता है, बैरियर्स क्रिएट हो सकते हैं, मार्केट बैरियर्स क्रिएट हो सकते हैं, कॉम्पिटिशन बना रहे उसकी बात ये करता है। तो थोड़ा सा टफ है बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है RBI के एग्जाम में। देन इंटरनेशनल शिपमेंट कैटेगरी, तो ये क्वेश्चन मैं क्यों डाला है, LPI तो पहले आ चुकी है रिपोर्ट, ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो है हमारी, पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज जो है, इसने भी अपना ईयर एंड रिव्यू निकाला है। उसके अंदर उन्होंने इंडिया की इंटरनेशनल शिपमेंट कैटेगरी के अंदर एज पर द WPI वर्ल्ड बैंक LPI इंडेक्स पे रैंकिंग बताई है, आर्टिकल में बता रखी है रैंकिंग। तो 2023 के अंदर क्या थी इंडिया की रैंकिंग, इस पैरामीटर में आपको ये बतानी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके आपको लिंक मैंने यहाँ प्रोवाइड करे हैं, जस्ट डाउनलोड द PDF एंड ओपन द लिंक्स एंड ट्राई टू आंसर देम इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो गाइज ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग। सो आई होप आपको मजा आया आज के लेक्चर में। द पावर सेक्टर वाला आपको समझना जरूरी है कि इश्यूज़ क्या हैं। आई नो अभी भी स्टिल आपको कन्फ्यूजन होगी, कन्फ्यूजन है अगर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बट आई विल ट्राई टू आंसर यू देयर, ठीक है। बट जो जितना इंपॉर्टेंट पार्ट था ऑलरेडी समझा चुका हूँ। मेजर इशू डिस्कॉम्स का है, डिस्कॉम्स को ही रिवैम करवाना है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट टारगेट है। तो एक बार अगर नहीं समझ दोबारा से भी सुन सकते हो, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है वो। अदरवाइज आप ये खोलना एक बार लिंक्स इनकी एंड आंसर करना। थैंक यू गाइज़।